पे इलाहाबाद से ही हूँ। यहाँ मैं संगम टहलने के लिए आया हुआ था तो मैंने देखा एक सर ने भारत का मैप रेत के द्वारा बनाया गया है। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया मैप बनाया गया है और उस मैप में मैंने ये देखा है कि उन्होंने पूरे ग्रीन कलर का यूज किया हुआ है। और ग्रीन कलर आप ये समझ सकते हैं कि वो हमको ये शो कर रहा है कि एक हमारा जो देश है उसमें ग्रीन एक प्रॉपर्टी है। ग्रीन प्रॉपर्टी मतलब हरा भरा देश है जिसमें सब कुछ फल फूल रहा है बढ़िया से। साथ साथ उन्होंने जो कि अभी हमारे प्रधानमंत्री द्वारा 370 धारा हटाई गई है उसके लिए जम्मू कश्मीर जो कि भारत का हिस्सा पूरी तरीके से बन चुका है, जहाँ पे भारत के कानून संविधान सब चीज़ लागू होगी, उसको भी उन्होंने अलग कलर से ब्लू कलर से शो किया हुआ है पूरे मैप में, जो कि एक दिखा रहा है कि अब हाँ जम्मू कश्मीर के लोग भी अब हमारे साथ हैं, हम लोग उनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं। महेश सिंह सर, मेरा नाम महेश सिंह। नया क्या दर्शा रहे हैं आप इसमें? हाँ सर, हम लोगों ने सैंड आर्ट किया है जो कि इंडिपेंडेंट डे पे। हम लोग सर सैंड आर्ट हमेशा हर एक ओकेजन में करते रहते हैं। तो हाँ सर, हम लोगों ने 15 अगस्त पे जो कि आप सैंड आर्ट को संगम व्यापी घर पर किया है, काफ़ी एक्साइटेड है कि क्योंकि सर कश्मीर का जो 370 मुद्दा आता है उससे रिलेटेड भी हम लोगों ने सैंड आर्ट किया है, जो कि सैंड आर्ट पर हम लोगों ने एक इंडिया का मैप बनाया है। जम्मू कश्मीर की जो 370 धारा हटी है उसको हम लोगों ने हाईलाइट किया, साथ में हम लोगों ने लेटर राइटिंग भी किया। तो जो सर इससे हम लोगों को एक नई एक फ्रीडम और भी मिल चुकी है। तो ये स्वतंत्रता दिवस पे हम लोगों ने, हमारी टीम है जो कि सुबह से ही इसको काम कर ही रही है, तो सर यही उद्देश्य देना चाहिए कि हमारा जो हर एक नागरिक है वो एक स्वतंत्र भाव से जीना चाहता है और जीता ही है और हमेशा से ही जिएगा। तो सर आज यही उद्देश्य है। नाम? मेरा नाम अजय कुमार गुप्ता, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से फाइन आर्ट डिपार्टमेंट। Yeah.